नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड हिंदी कोर्स के क्षितिज गद खंड के अंतर्गत पाठ लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। तो इस पाठ से संबंधित आज हम आपके लिए वर्णात्मक प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 हिंदी कोर्स एक गद खंड पाठ लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। प्रश्न अभ्यास या प्रश्न उत्तर, पाठ के अंत में जो प्रश्न अभ्यास दिए हैं उसी से संबंधित प्रश्न उत्तर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रश्न नंबर पहला, लेखक को नवाब साहब के किन हाव-भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? उत्तर, लेखक के अचानक डिब्बे में आ जाने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में बाधा का असंतोष दिखाई दिया। नवाब साहब ने मित्रता के लिए उत्साह नहीं दिखाया, इन्हीं अहाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तो लेखक ने भी उनके सामने वाली सीट पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। प्रश्न नंबर दूसरा, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंततः सूंघ कर ही खिड़की के से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? उत्तर, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंततः सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया जिससे लेखक को लगे कि खीरे को काटकर पेट भरना आप जैसे साधारण लोगों का काम है, हम जैसे नवाब खीरे को सूंघ कर ही तृप्त हो जाते हैं। तृप्त का अर्थ है संतुष्ट होना। उनका ऐसा करना अमीरी के दिखावे और खोखलेपन की ओर इंगित करता है। प्रश्न नंबर तीन, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर, लेखक ने इस कथन के द्वारा नई कहानी के समय के लेखकों पर व्यंग किया। किसी भी कहानी को लिखने के लिए कथा वस्तु घटना पात्र आदि तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ घटना और कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं वहीं पात्रों द्वारा संवाद बोले जाते हैं, इनके बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती है। प्रश्न नंबर चार, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? उत्तर, मैं इस निबंध को निम्न नाम देना चाहूँगा। पहला, सामंतवादी। दूसरा, अमीरों की नवाबी। तीसरा, अमीरों का दिखावा। चौथा, झूठी शान। पांचवा, खोखली संस्कृति। आदि नाम भी दिए जा सकते हैं। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर पाँच, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है, इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। उत्तर, लेखक टिकट लेकर सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठ जाता है। उसी डिब्बे के एकांत में एक नवाब साहब भी बैठे हुए हैं। वह तौलिया बिछाकर सीट के नीचे से दो ताजे खीरे निकाल कर रखते हैं, फिर उन खीरों को खिड़की से बाहर निकाल कर लोटे के पानी से धोने के बाद तौलिए से सुखा लेते हैं। उसके बाद जेब से चाकू निकाल कर खीरों को छील कर उनकी फांके बनाकर तौलिए पर सजा कर रख लेते हैं। उसके बाद जीरा मिला नमक और मिर्च डालते हैं, फिर एक एक करके उन फांकों को सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। भाषा अध्ययन। प्रश्न नंबर आठ, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया भेद भी लिखिए। ठीक है, क्रियापद छांटना और उसके क्रिया भेद भी लिखने हैं। तो पहला प्रश्न, एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। उत्तर, बैठे थे, ये अकर्मक क्रिया है। देखो, क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक और अकर्मक। तो आपको यही बताना है कि कौन सी क्रिया सकर्मक, कौन सी अकर्मक है। खा, नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया, तो दिखाया यहाँ क्या हो जाएगा, सकर्मक। गा, थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, तो आदत है क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। उत्तर, खरीदे होंगे, सकर्मक क्रिया। गा, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। उत्तर, निकाला, सकर्मक क्रिया है। चा, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, तो यहाँ पर देखना क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। छा, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। छा, लेट गए, अकर्मक क्रिया। जेब से चाकू निकाला। उत्तर, निकाला, यहाँ क्या पर सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ध्यान रखना, जिस वाक्य में क्रिया होती है
एक कर्म और क्रिया दोनों होती है उसे सकर्मक कहते हैं, और जहां पर सिर्फ क्रिया होती है कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक कहते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हो गए। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।